हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक नया टॉपिक इसमें जुड़ गया है दोस्तों, प्रीपोजिशन। ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंसेप्ट के जरिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या है एंटोनिम्स में और क्या है साइनोनिम्स, देखते हैं आज का सेशन में क्या है। देखिए, फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका है कंप्लेसेंट। तो कंप्लेसेंट का क्या हो जाएगा, डिसकंटेंटेड। ठीक है, तो कंप्लेसेंट का हिंदी में ऐसे आत्मसंतुष्टि होता है। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, आत्मसंतुष्टि। ठीक है, या आत्मसंतुष्ट। और डिसकंटेंट का क्या हो जाएगा, तो डिसकंटेंट का हो जाएगा असंतुष्ट। ठीक है, तो इसे ख्याल रखेगा। ठीक है, कंप्लेसेंट का एंडो क्या हो जाएगा, डिसकंटेंटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड डिसेंबल। ठीक है, क्या है उसके बाद, डिसेंबल है। तो डिसेंबल का क्या हो जाएगा, बी ट्रूथफुल। तो डिसेंबल का मतलब होता है फ्रेंड्स ढोंग करना। ठीक है, या एक तरीका से आप झूठ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डिसेंबल, तो डिसेंबल का क्या हो जाएगा, बी ट्रूथफुल। तो इसे भी आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, निगेट है। ठीक है, तो निगेट का क्या हो जाएगा, तो निगेट का हो जाएगा एक्सेप्ट। निगेट मतलब होता है इनकार करना और एक्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। ठीक है, तो ये तो सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स सीडेट। ठीक है, सीडेट का क्या हो जाएगा, एंटो फिलिपांट। ठीक है, सीडेट का क्या हो जाएगा, फिलिपांट। तो सीडेट का ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता शांत करना। सीडेट मतलब क्या होता है, शांत करना। तो फिलिपांट क्या हो जाएगा, हलचल करना। ठीक है, यानी शोर गुल टाइप का। तो आप समझ सकते हो उसकी सीडेट का क्या हो जाएगा, फिलिपांट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सरकमस्पेक्ट। ठीक है, क्या है सरकमस्पेक्ट। तो सरकमस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, केयरलेस। तो सरकमस्पेक्ट मतलब होता है सावधान और केयरलेस मतलब असावधान। तो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन में एंटोनिम्स इतना था, तो इसे ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, या आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये खासकर आपको जितना भी प्रतियोगी परीक्षा जो जिसमें खासकर इंग्लिश पूछता है फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, तो उसमें ये काम देगा। ठीक है, तो इसे आप ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिनोनिम्स के बारे में, तो देखते हैं सिनोनिम्स के बारे में क्या है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर है रिमबर्स। रिमबर्स, तो रिमबर्स का क्या हो जाएगा, रिफंड या पे बैक। ठीक है, रिफंड या पे बैक। तो रिमबर्स मतलब क्या, आप समझ सकते हो, बदला चुकाना। ठीक है, मतलब जैसे रिफ़ंड आप करते हो ना, पैसे का रिफ़ंड करते हो, पे बैक करते हो। ठीक है, तो उसी तरीका से आपका रिमबर्स का क्या हो जाएगा, रिफ़ंड और एक पे बैक हो जाएगा। तो इस तरीका से इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, री करना मतलब रिमबर्स करना, रिफ़ंड करना या पे बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रीसाइट। ठीक है, तो रिसाइट का क्या हो जाएगा, रिटिरेट हो जाएगा, रिटिरेट। तो रिसाइट, रिटिरेट मतलब होता है जोर देकर दोहराना। ठीक है, जोर देकर दोहराना, रिटिरेट करना। तो आप याद रखिएगा कि रिसाइट का क्या हो जाएगा, रिटिरेट हो जाएगा। तो इसे भी आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्यूकेनर। ठीक है, ब्यूकेनर, तो ब्यूकेनर का क्या हो जाएगा, पायरेट। ब्यूकेनर का क्या हो जाएगा, पायरेट। ठीक है, तो ब्यूकेनर मतलब होता है समुद्री लुटेरा, या पायरेट मतलब भी समुद्री लुटेरा ही होता है। तो ब्यूकेनर का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स पायरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है अवेट। तो अवेट का क्या हो जाएगा, अवेट का आपका हो जाएगा डिमनिस या डिक्रीज। ठीक है, तो अवेट मतलब क्या होता है, कम होना। डिमनिस मतलब भी कम होना, डिक्रीज मतलब भी कम होना ही होता है। तो आप याद रखेगा कि अवेट का क्या हो जाएगा, डिमनिस हो जाएगा और एक ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रूसाइज। ठीक है, ब्रू ब्रूसाइज। ठीक है, ब्रूसाइज,
तो इसका क्या हो जाएगा, उंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ब्रिज का क्या हो जाएगा, उंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रिज का क्या हो जाएगा, उंड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए आज के सेशन में क्या क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट नंबर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोटाइप। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का जो प्रथम मॉडल जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड टॉकिंग टू वन सेल्फ। ठीक है, टॉकिंग टू वन सेल्फ का क्या हो जाएगा, सोलिलोक्यू, मतलब खुद से बातचीत करना, खुद से बात करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एन एग्रीमेंट और साइंड बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि दो देशों या दलों के बीच हुए युद्ध को रोकने के लिए जो समझौता किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहा जाता है सीज फायर। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा या न्यूज़ में भी देखा होगा फ्रेंड्स कि सीज फायर। ठीक है, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो सीज फायर मतलब क्या होता है, दो देशों या दलों के बीच में जो युद्ध रोकने के लिए समझौता किया जाता है तो उसी को कहा जाता है सीज फायर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है, दो कंट्री के बीच में फाइटिंग को रोकना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड का क्या हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनविंसिबल, मतलब जिसे हराया नहीं जा सके, जिसे हराया नहीं जा सके तो वो क्या कहलाएगा, अजय इनविंसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन हु ड्रिंक्स टू मच, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, ड्रंक कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो अत्यधिक शराब का सेवन करता हो, जो अत्यधिक शराब पीता हो तो उसे क्या बोलेंगे, ड्रंक कार्ड बोलेंगे। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है फ्रेंड्स वो नया नया आपका सेट है, नया टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स ये बहुत बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता होगा फ्रेंड्स, आपको पैसेज में भी पूछ सकता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट में भी पूछ सकता है, क्लोज टेस्ट में भी रह सकता है फ्रेंड्स। तो और एक PQRS होता है फ्रेंड्स, मतलब इस सब जगह आपको काम कर सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये बहुत बार रामबाण की तरह होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं क्या है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका है एवरेंस ऑफ। ठीक है, यानी एवरेंस के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, एवरेंस के साथ क्या लगेगा, ऑफ, यानी जब एवरेंस के साथ ऑफ लग जाएगा तो उसका मतलब होता है से नफरत। ठीक है, क्या हो जाएगा, से नफरत। ठीक है, से नफरत, तो इसे आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, एवरेंस ऑफ रहता तो उससे मतलब क्या होता, से नफरत। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद है फ्रेंड्स एवोरेंट टू। ठीक है, एवोरेंट के साथ जब टू लगा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है से नफरत होना। ठीक है, से नफरत होना, तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, किसी चीज़ से नफरत होना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, अगर मान लेते फ्रूट्स वगैरह है मुझे, जैसे केला है तो मुझे, मैं केला से नफरत है, या फिर कोई भी अगर फ्रूट्स ले लो या कोई भी ऐसा चीज़ ले लो जिसे किसी को या किसी से नफरत होता है। ठीक है, तो एवोरेंट टू याद रखेगा, एवोरेंट टू मतलब क्या होता है, से नफरत होना। उसके बाद है फ्रेंड्स एब्जॉर्ब्ड इन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड के साथ जब इन लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है में व्यस्त। ठीक है, किसी चीज़ में व्यस्त होना, बिजी होना, तो एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड के साथ जब इन लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्रेंड्स में व्यस्त होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एब्स्टीमियस इन।
एब्सटीमियस इन, ठीक है, एब्सटीमियस के साथ जब इन लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है मे परहेज, ठीक है, मे परहेज याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, मे परहेज, ठीक है, मे परहेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एब्सटिनियंस फ्रॉम, एब्सटिनियंस फ्रॉम मतलब होता है से परहेज, इसमें थोड़ा सा सिर्फ आप से जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है से परहेज, ठीक है, एब्सटिनियंस के साथ जब फ्रॉम लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है से परहेज, लेकिन एब्सटीमियस जब एब्सटीमियस इन लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है मे परहेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, आपका 5 एंटोनिम्स है, 5 सिनोनिम्स है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, तो ये 5 सेट आज का ख़त्म हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।